हे फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सबका मेरे इस नए वीडियो में। मैं डॉली मिश्रा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी जो पढ़ाई है, स्टडी है, बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि टाइम बहुत कम है अब आप लोगों के पास। तो मैं आज आप लोगों के लिए ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ, ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। क्योंकि देखो, हम कितनी भी अच्छी पढ़ाई कर लें, कितने अच्छे तरीके से हम सब कुछ मैनेज करके चल रहे हों, अभी तक जब हम एग्जाम हॉल में गए, हमने अपना पेपर देखा, सब कुछ बहुत सही लगा कि हाँ चलो, हमने ये सब कुछ पढ़ करके रखा है, क्वेश्चन पेपर अच्छा आया है, हमने उसको सॉल्व किया। लेकिन जब बात आई OMR सीट भरने की, तो हम उसमें कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। वो गलतियां क्या होती हैं, कैसे आपको नहीं करना है और क्या करना है, किस तरह से OMR सीट को फिल करना है, क्या गलती नहीं करनी है, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो के लगातार बने रहिए और जानिए कैसे OMR सीट भरना है और क्या गलतियां नहीं करना है। तो देखिए, OMR सीट जब आप लोग जाएंगे हॉल में, परीक्षा हॉल में आप लोग एग्जाम देंगे, आपको पहले ही OMR सीट आपके कॉपी के साथ मिलेगी, क्वेश्चन पेपर के साथ ही मिल जाएगी, ठीक है। जो OMR सीट मिलेगी, जब हम लोगों का एग्जाम हुआ था तो उसमें तीन प्रति थी OMR सीट की। एक जो थी वो मेन थी, जो कि पिंक कलर की होती है, उसके नीचे एक ग्रीन कलर की होती है और फिर उसके नीचे एक ब्लू कलर की होती है। तीन होती हैं। जो पिंक कलर वाली होती है वो थोड़ी सी टाइट सी होती है, मोटी होती है, बाकी उसके नीचे की जो दो होते हैं वो पतले पेपर्स में होती है। तो जो हमारी OMR सीट होती है ऐसी होती है लगभग, ये मैं आप लोग को साइड में दिखाऊंगी अच्छे से, ठीक है। तो इसमें OMR सीट में आपका नाम फिल किया जाएगा और आपका जो एनरोलमेंट नंबर होगा उसको फिल किया जाएगा, और वो फिल ऐसे किया जाएगा जैसे कि आपका क्वेश्चन फिल करते हैं, जैसे आपका नाम हो गया, अमन हो गया, तो ए की जगह पर ए के नीचे करना है, एम की जगह पर एम के नीचे फिल करना है, तो वैसे आपको फिल करना है, और जो एनरोलमेंट नंबर रहेगा उस पर फिल करना है। साथ ही साथ उसमें आपके माता या पिता का नाम रहेगा, सेंटर का नाम लिखा जाएगा और साथ ही साथ उसमें आपके विद्यार्थी के हस्ताक्षर भी रहते हैं। एक बात ये भी है कि जैसे आपको नहीं पता है ना कि कहाँ पर क्या फिल करना है, तो हमें न डरना है न शर्माना है, जो वहाँ पर आपके क्लास टीचर होंगे उनसे पूछना कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, हमें बता दीजिए। क्योंकि जो वहाँ टीचर लगे हुए होते हैं, उनका काम ये सब है कि आप जो भी पूछे आपको वो बताए, ठीक है। तो बिना डरे बिना शर्माए आप उन सर से हेल्प ले लेना, आपको वो खुद ही बताएंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उनको बुला करके सब कुछ पूछ सकते हैं, तभी भरिए। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं कर लूंगी, मैं नहीं पूछ रही हूँ, तो अगर एक गलती होती है, एक मिस्टेक होती है, हमने ए की जगह पर बी के कॉलम में फिल कर दिया है, सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो रोल नंबर और नाम, अगर हमने इसको गलत कर दिया है तो फिर हमारी जो कॉपी है वो स्कैन नहीं होती है OMR सीट की। तो जहां तक हो इन चीजों को बहुत ही ध्यान से भरें, और अगर प्रैक्टिस नहीं है तो इसको आप, मैंने बताया था कि एक ऐसे प्रैक्टिस सेट लीजिए कि जिसमें OMR सीट हो, हर प्रैक्टिस सेट के बाद OMR सीट हो, तो उसको आप फिल करें, ठीक है, तो आपकी आदत भी बनी रहेगी। और कैसे फिल करना है मैं ये भी आपको बताती हूँ। और हाँ, ये भी नहीं कि जैसे आपको तीन प्रति मिलेगी तो आप तीनों में बारी बारी से फिल करें, ऐसा नहीं है। अगर आप ऊपर वाली में सब कुछ भर रहे हैं तो वो नीचे कार्बन कॉपी होता है, कार्बन उसमें होता है, लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो सारा कुछ उसमें अपने आप प्रिंट हो जाता है। तो आपको बस एक में ही भरना है, और जो दो कॉपी रहेगी ग्रीन और पिंक वाली वो खुद ले लेंगे, वहां पर जमा कर लेंगे, और साथ ही साथ आपको ब्लू वाली वापस कर देंगे। तो ऐसे करना है आपको, और आप वैसे ही प्रैक्टिस सेट लीजिएगा जिसमें OMR सीट हो, तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से होती रहेगी। और अब मैं आपको बताऊंगी किस तरह से फिल करना है, किस तरह से नहीं भरना है, क्योंकि बहुत लोग ऐसी गलतियां करते हैं। और साथ ही साथ आपको ना मिटाना बिल्कुल भी नहीं, जैसे आपने किसी क्वेश्चन का आंसर था जो कि बी नंबर सही था और आपने उसमें डी भर दिया है, तो हमें फिर हम सोचते हैं कि हम बी वाले को किसी तरह से मिटा दें। जब मेरा एग्जाम था तो वहां पर कुछ लोग ब्लेड यूज कर रहे थे, ब्लेड से SSH हटा रहे थे, करते ब्लेड से हट जाता है, या तो फिर चौक इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन हमें इन सब चीज़ों को नहीं इस्तेमाल करना है। अगर हमारा जो गलत हो गया है तो उसको गलत ही हो जाना, ये भी नहीं है कि अगर हमने बी में भर दिया है
तो फिर हम उसके बाद डी में फिर से भर दे, तो दोनों को भर दें तो सहाय हो सकता है दोनों में, दोनों समझ करके दे दें तो आपको किसी का भी नहीं देंगे, कोई भी एक भी नंबर नहीं मिलेगा और साथ ही साथ हो सकता है आपका स्कैन भी ना हो। ठीक है, जो हमने एक बार भर दिया है सो भर दिया, लेकिन हाँ हमें पहले ये ध्यान देना है कि हम भरने से पहले ये जरूर देख लें कि हाँ हम किसमें टिक लगा रहे हैं, ये नहीं कि हमें बहुत जल्दी जल्दी है प्रेशर में है हम बी की जगह डी पे लगा दे रहे हैं, डी की जगह सी पे लगा दे रहे हैं, तो पहले ही हमें ध्यान देना होगा। और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से भरना है ताकि हमारी कोई मिस्टेक ही ना हो। ठीक है, देखिए ये है पेपर कॉपी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 का जो ये एग्ज़ाम हुआ था, तो ये उसकी पेपर कॉपी है और ये जो ओएमआर सीट हमको वापस दे देते हैं ये वो है। देखिए इसमें लिखा है ओएमआर उत्तर पत्र पर सही उत्तर भरने के लिए निर्देश, यानी कि हमें क्या गलतियां नहीं करनी है, कैसे सब कुछ भरना है, ये सब के बारे में इसमें डिटेल में दिया गया है, तो इसको आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जैसे कि इसमें क्या दिया गया है कि केवल आप नीले और काले बॉल पेन का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, गोलों को भरने के लिए पेंसिल का प्रयोग बिल्कुल ना करें, इसमें वाइटनर रबर ब्लेड जैसे चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। साथ ही साथ इसमें यही दिया ये भी दिया है कि गोलों को पूर्ण रूप से भरें, बाहर ना फैलाएं, और इसमें ये भी दिया गया है कि आपका एक प्रश्न गलत होने पर आपका जो सही होगा उससे आधा नंबर आपका काट लिया जाएगा। तो देखिए कैसे भरना है आपको मैं बताती हूँ। पहले ऊपर दिया है आपका रोल नंबर, उसके बाद दिया है टेक्स्ट बुकलेट नंबर, इसके बाद सिटी कोड, सेंटर कोड और सीरीज। देखिए मुझे जहाँ तक लगता है ना, जैसे कि पहले आया था मे बी वैसे ही आए, अगर नहीं आता है थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता है, तो आप जो वहाँ पर क्लास में टीचर लगे होंगे उनसे आप सब कुछ डिटेल में पूछ सकते हैं, क्योंकि उनकी यही ड्यूटी है कि आपको सब कुछ बताएं जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इसमें आपको देखिए दो चीज़ मिलेगा, एक मिलेगा आपका कैंडिडेट्स का नेम मिलेगा और दूसरा होगा कैंडिडेट्स का सिग्नेचर। ठीक है, तो जहाँ कैंडिडेट्स का नेम है वहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें, जो आपका मन करे जैसे लिखें, बस हाँ ये हो कि समझ में आना चाहिए, लेटर समझ में आ रहे हों ऐसे लिखिए एकदम स्पष्ट रूप से। और दूसरा जो ऑप्शन होगा कैंडिडेट सिग्नेचर का, उसमें आपको वही सिग्नेचर करना है जो आपने फॉर्म फिल करते समय, आपने जब फॉर्म भरवाया था तो जो भी सिग्नेचर किया था सेम वही सिग्नेचर आपको कैंडिडेट सिग्नेचर में करना है। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद नीचे ऑप्शन होंगे जिसमें सर को सिग्नेचर करना होगा कि हाँ आपने सारा ओएमआर में नाम नंबर सिग्नेचर ये सब कुछ सही भरा है या नहीं, अगर सब कुछ सही भरा है तो वो अपना साइन करेंगे, अगर नहीं भरा है तो फिर सर फिर से आपको बोलेंगे कि यहाँ पर गलती है इसको सही करो, अगर वो सही करने लायक है तो, अगर नहीं है तो इसका मतलब खराब, इसलिए जहाँ तक हो नाम रोल नंबर ये सब कुछ बहुत अच्छी तरह से ध्यान दे करके इसको भरा जाए। ठीक है, मुझे लगता था कि अभी तक याद नहीं था क्योंकि ओएमआर सीट नहीं मिली थी, तो मुझे लगा था कि आपके चार सब्जेक्ट है तो चार सेक्शन में डिवाइड किया जाएगा, लेकिन नहीं, इसमें 50-50 करके डिवाइड है, एक में 50 एक में 50, तो आपके तीन सेक्शन में दे दिया गया है। और इधर सीरीज का बुकलेट नंबर, देखिए ये भी ध्यान रखिए कि जब गोले भरे ना तो इधर उधर गोले ना फैलाएं, बाहर ना फैलाएं, और ध्यान दें कि गोलों में ऐसा भरा जाए कि पूरा गोला फिल हो जाए, ये नहीं कि हम उसमें डॉट डॉट करके छोड़ दे रहे हैं या आधा गोला भर के छोड़ दे रहे हैं, अच्छे से स्कैन हो इसके लिए उसको पूर्ण रूप से भरें। और आप ये ज़रूर ध्यान दें कि जैसे आपका पूरा पेपर हो गया और आपके पास 30 मिनट टाइम बचे हैं तो आप गोला ज़रूर भर दें, गोले के लिए कम से कम 30 मिनट का टाइम ज़रूर दें ओएमआर सीट के लिए। ओएमआर सीट भरे एग्ज़ाम हॉल में मत जाना, एक बार दो बार कम से कम भर ही लेना, देख लेना, अगर ना आपको बुक मिल रही हो ऐसे ओएमआर सीट के साथ वाली तो आप ओएमआर सीट भी ऐसे जाकर के मिलते हैं जिनको आप लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कैसे हमें भरना है, क्या क्या भरना है पहले देख लीजिए, क्योंकि अगर वहाँ पर गलती हो गई तो हमें कोई दूसरी ओएमआर सीट की कॉपी नहीं मिलने वाली है, तो इसलिए जहाँ तक हो सब कुछ पहले से प्रैक्टिस करके जाएं, अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं करते हैं तो वहाँ पर जाकर भी सब कुछ ध्यानपूर्वक ही भरें तभी सही रहेगा। देखिए एक चीज़ और नहीं करना है कि आप चीटिंग करें, जैसे आप भर रहे हैं आप अपने बगल वालों को देख करके सोचे कि उसने 34 नंबर का ए लगाया है तो मैं भी 34 का ए लगा देता हूँ फटाक से, तो अगर हम ऐसे करते हैं तो हम तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि
जब कोई भी एग्जाम होता है और उसमें पास पास में बिठाया जाता है तो उसके कई सेट बनाए जाते हैं, जो ग्रुप नहीं होता ए बी सी डी, तो उसमें जो ग्रुप होते हैं वो जैसे ए का आपके पास जो आपका कॉपी मिला है और जस्ट आपके बगल में जो बैठा उसको जो कॉपी मिली है, तो आपका और दोनों का ग्रुप हमेशा चेंज रहेगा और आपके आगे वाले का भी ग्रुप चेंज रहेगा, या तो ऐसे क्रॉस में चेंज रहेगा सीधे सीधे या फिर अगल बगल, तो कभी सेम सेम कॉपी नहीं मिलती है, तो आप उनका देख करके नकल नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि अब ऐसे पहले तो ये रहता था कि क्वेश्चन इधर उधर करते थे, अब क्वेश्चन तो इधर उधर रहता है साथ ही साथ ऑप्शन भी इधर उधर कर देते हैं, जैसे कि आप में अगर ए में राम है तो हो सकता है उनके सी में राम आ जाए, यानी कि ऑप्शन ही पूरा चेंज कर देते हैं। तो जहां तक हो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी से अगर नकल कर रहे हैं आप, पहली बात तो नकल करें ही नहीं क्योंकि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ होता है, और अगर थोड़ी बहुत भी हमने इधर उधर कुछ करी और कोई टीचर ऐसा मिल गया जो कि अगर ठीक है कोई शांत मिल गया, नहीं कुछ बोल रहा है, इतना ही बोल दिया कि चलो ठीक है शांत हो जाओ, लेकिन अगर कोई ऐसा टीचर मिल गया जो कि ज्यादा एक्शन ले लिया तो फिर आप पे दिक्कत आ जाएगी ना। तो जहां तक हो कि अगर एग्जाम उग्जाम देने जा रहे हैं तो शांति से एग्जाम दे, जितना हमने पढ़ा है उतना ही दे, नेगेटिव मार्किंग को याद करके, ठीक है, और साथ ही साथ हमें नकल वकल नहीं करना क्योंकि नकल से कोई फायदा होने वाला है, जरूरी नहीं है कि जो आपके बगल में वो बहुत ज्यादा पढ़ कर ही आया हो। मेरे साथ तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि मैं कोई भी एग्जाम देने गई हूँ और मेरे बगल वाला को बहुत ज्यादा आता हो, अक्सर ऐसे होता है कि वो बिल्कुल फिसड्डी टाइप का होता है, मैं तो जो हूँ मेरे से भी वो रहता है कमजोर, तो ऐसे ही होता है। जहाँ तक हो आप लोग खुद पर विश्वास रखें, खुद के दम पर एग्जाम दें अपना और पास करें, तो बस यही है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करके जाइएगा और OMR सीट अच्छे से भरिएगा, और वहाँ पर जो भी रूल रेगुलेशन दिए हुए वो आपके एडमिट कार्ड में मेंशन रहेगा, तो उसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। होप्स कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।